हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं जून मंथ का MCQ करंट अफेयर्स GK। इस आज की वीडियो में हम मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट जून मंथ का MCQ करंट अफेयर्स GK पढ़ेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं और ये 40 क्वेश्चन हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे। साथियों, डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, यह करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स UPSC, SSC, RRB, बैंक्स, PO, GRE, नेट, रेलवे इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे द्वारा राजस्थान GK और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ और अनअकैडमी पर राजस्थान GK और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा राजस्थान GK और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं जून मंथ का MCQ करंट अफेयर्स GK। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून, व्हेन इट इज स्टार्टेड। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन ए इन ईयर 1974, वर्ष 1974 से, बी इन ईयर 1989, वर्ष 1989 से, सी इन ईयर 1967, वर्ष 1967 से, और ऑप्शन डी इन ईयर 1920, वर्ष 1920 से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इन ईयर 1974, वर्ष 1974 से। क्वेश्चन संख्या सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट द सैलरी ऑफ द एस्पिरेंट्स इज बिटवीन 3,000 रुपीज टू 10,000 रुपीज हैज अनाउंस्ड इंक्रीज। किस राज्य की सरकार ने आशा कर्मियों का वेतन 3,000 से 10,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑप्शन डी दिल्ली सरकार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो आशा कर्मी है उनका वेतन 3,000 से 10,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज अनाउंस्ड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। RBI ने किस तारीख को वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3 to 7 जून, 3 से 7 जून, ऑप्शन बी 1 to 3 जून, 1 से 3 जून, ऑप्शन सी 1 to 5 जून, 1 से 5 जून, ऑप्शन डी 3 to 5 जून, 3 से 5 जून। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 to 7 जून, 3 से 7 जून। क्वेश्चन संख्या 4, हु हैज अपॉइंटेड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने किसे पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुबेदानंद भारती सरस्वती, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी अजमल हसा, ऑप्शन डी तरुण बैसला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड ऑनलाइन फूड सप्लाई विदाउट हाइजीन रेटिंग। किस राज्य की सरकार ने हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगाई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, इंडियाज फर्स्ट क्लिनिक फॉर विच डिजीज विल बी ओपन्ड बाय एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली द्वारा किस रोग के लिए भारत का पहला क्लिनिक खोला जाएगा? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वेलबींग बजट। किस देश ने दुनिया का पहला वेलबींग बजट पेश किया है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन,
ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड की सरकार ने। नेक्स्ट, विच इंडियन पर्सन हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ मालदीव्स, मार्क इजुद्दीन। कौन व्यक्ति या कौन भारतीय व्यक्ति मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से नवाजे गए हैं? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अन्ना हजारे, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। मालदीव का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है निशान इजुद्दीन, उसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नवाजे गए हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, विश्व महासागर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 जून को, 8 जून को, ऑप्शन बी 4 जून, 4 जून को, ऑप्शन सी 5 जून, 5 जून को, ऑप्शन डी 9 जून, 9 जून को, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, इनमें से कौन गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बने हैं? 17वीं लोकसभा में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। ऑप्शन ए विशाल धवन, ऑप्शन बी नारायण गोस्वामी, ऑप्शन सी साकेत कुमार, ऑप्शन डी जलन सिंह, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साकेत कुमार को गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट, फेमस पर्सनैलिटी ग्रीस कर्नाड पास्ट अवे, हु वाज ही, प्रसिद्ध व्यक्ति ग्रीस कर्नाड का निधन हुआ है, वह कौन था? ऑप्शन ए एक्टर अभिनेता, ऑप्शन बी साइंटिस्ट वैज्ञानिक था, ऑप्शन सी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री था, ऑप्शन डी फॉर्मर क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर था, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्टर अभिनेता था। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर्स ओल्ड एज पेंशन स्कीम, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार की सरकार जिसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने वृद्धजन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 14th, विच स्टार्टेड, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया जिसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए ईयर 1997, वर्ष 1997 से, ऑप्शन बी वर्ष 1999 से, ऑप्शन सी वर्ष 2000 से, ऑप्शन डी वर्ष 2011 से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1997, वर्ष 1997 से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय इसरो, फॉर विच ईयर इंडिया विल गेट अप इट्स स्पेस स्टेशन इन स्पेस, इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए वर्ष 2030 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2022 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2025 तक, ऑप्शन डी वर्ष 2035 तक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट, द प्लेयर ली चोंग वी हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट, विच गेम ही बिलोंग टू, खिलाड़ी ली चोंग वेई ने लिया संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन के। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑर्डर्ड ऑल मिनिस्टर टू रीच द ऑफिस टिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को कितने बजे तक दफ्तर पहुंच जाने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए ऑन मॉर्निंग 9 AM, सुबह 9 बजे तक, ऑप्शन बी ऑन मॉर्निंग 9:30 AM, सुबह 9:30 बजे तक, ऑप्शन सी ऑन मॉर्निंग 10 AM, सुबह 10 बजे तक, ऑप्शन डी ऑन मॉर्निंग 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे तक। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को यह हिदायत दी है और आदेश दिया है कि वह सुबह 9:30 बजे तक ऑन मॉर्निंग 9:30 AM
तक वह अपने अपने कार्यालय पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑन मॉर्निंग 9:30 है, सुबह 9:30 बजे तक। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सर्व द चिल्ड्रन नॉट सर्विंग द पेरेंट्स। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार की सरकार ने, जिसने की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जून, 12 जून को, ऑप्शन बी 10 जून, 10 जून को, ऑप्शन सी 11 जून, 11 जून को, ऑप्शन डी 9 जून, 9 जून को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 जून, 12 जून को। नेक्स्ट, हु आर अपॉइंटेड एज ए प्रोटेम स्पीकर इन 17th लोकसभा। कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी अरविंद सिंह, ऑप्शन सी निरुपमा सिन्हा, ऑप्शन डी राजेश जायसवाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन June 10, 2019। 10 जून 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए यूसुफ पठान, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी पीयूष चावला, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी युवराज सिंह है। ऑलराउंडर को भारतीय टीम के बेस्ट बल्लेबाज युवराज सिंह ने 10 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पर्सनैलिटी मोहम्मद मुर्सी हैज डाइड। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद मुर्सी का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिस्र के। नेक्स्ट, हु बिकम द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए निलकेश गौर, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी अजय नाथ, ऑप्शन डी अमित शाह। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है श्री अमित शाह, जिन्हें की 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री बनाया गया है। उनकी जगह जो कार्यकारी अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वह जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जेपी नड्डा। नेक्स्ट, हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट 11,000 रन इन वनडे क्रिकेट। कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी स्टीवन स्मिथ, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी क्रिस गेल। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली सबसे तेज रन बनाने वाले, यानी कि सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। नेक्स्ट, हु वॉन फेमिना मिस इंडिया 2019 टाइटल। किसने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए अरुणा सिन्हा, ऑप्शन बी तृप्ति सेन, ऑप्शन सी सुमन राव, ऑप्शन डी रजनी गोसाल। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान राज्य की और जयपुर जिले या राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर की रहने वाली सुमन राव ने जीता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सुमन राव। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी है सेलेक्टेड फॉर द बाल साहित्य अवार्ड फॉर हिंदी 2019। साहित्य अकादमी ने किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है? ऑप्शन ए अरुण त्रिवेदी, ऑप्शन बी गोविंद शर्मा, ऑप्शन सी नीलेश ठाकुर, ऑप्शन डी अशोक मराठा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंद शर्मा को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जून, 21 जून को, ऑप्शन बी 20 जून, 20 जून को, ऑप्शन सी 18 जून, 18 जून को, ऑप्शन डी 11 जून, 11 जून को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 जून।
21 जून को प्रत्येक वर्ष पिछले 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज चूजन द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द ईयर 2019 इन द ब्रिटिश हेराल्ड इन एयर रीडर्स पोल। ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी सी जिनपिंग। और इसका राइट आंसर है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, तो राइट आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, विच आईटी कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड ए क्रिप्टो कॉल्ड लिब्रा। किस आईटी कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इंफोसिस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक ने, जिसके संस्थापक मार्क जकरबर्ग है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द 17th लोकसभा। कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए शिवम पांडे, ऑप्शन बी ओम बिड़ला, ऑप्शन सी कमलकांत सुरेखा, ऑप्शन डी जयदीप ठाकुर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम बिड़ला। ओम बिड़ला राजस्थान राज्य की कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और वह दूसरी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सिक्स 17 इन वन इनिंग ऑफ वनडे मैच। कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, जिन्होंने कि इस बार के जो मैच थे उसमें, जो वर्ल्ड कप जो चल रहा है उस वर्ल्ड कप में 17 छक्के लगाए थे। ऑप्शन ए जॉस बटलर इंग्लैंड, ऑप्शन बी डेविड मिलर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इयोन मॉर्गन फ्रॉम इंग्लैंड, ऑप्शन डी फकर जमाल, ऑप्शन पाकिस्तान। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इयोन मॉर्गन इंग्लैंड। इंग्लैंड के बल्लेबाज इयोन मॉर्गन ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, यानी कि 17 छक्के लगाए हैं उन्होंने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्सन विजय निर्मला हटाइड ही वाज। प्रसिद्ध व्यक्तित्व विजय निर्मला का निधन हुआ वह थी। ऑप्शन ए एक्ट्रेस अभिनेत्री, ऑप्शन बी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ऑप्शन डी आर्टर चित्रकार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्ट्रेस, वो है अभिनेत्री थी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ड्रग एडिक्शन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जून 26 जून को, ऑप्शन बी 22 जून 22 जून को, ऑप्शन सी 23 जून 23 जून को, ऑप्शन डी 25 जून 25 जून को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जून को। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा। कौन व्यक्ति खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए विक्रम अग्रवाल, ऑप्शन बी लक्ष्मण पाठक, ऑप्शन सी सामंत गोयल, ऑप्शन डी अनुज राव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामंत गोयल को। नेक्स्ट, विच वुमेन्स हॉकी टीम हैज वॉन द FIH सीरीज फाइनल टाइटल। किस महिला हॉकी टीम ने FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट, द GST काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द प्रॉफिट प्रोहिबिशन अथॉरिटी। GST परिषद ने मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया है। ऑप्शन ए जून 2021 जून 2021 तक, ऑप्शन बी नवंबर 2021 नवंबर 2021 तक, ऑप्शन सी जुलाई 2021 जुलाई 2021 तक, ऑप्शन डी अप्रैल 2021 अप्रैल 2021 तक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवंबर 2021 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट, हाउ मैनी कास्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट। यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुल कितनी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। और इसका राइट आंसर है 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान हैज अनाउंस्ड ए प्लान फॉर द नेडी पीपल हुज नेम इज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जरूरतमंद लोगों हेतु एक योजना की घोषणा की है जिसका नाम है। ऑप्शन ए माई रेशन माई राइट, मेरा राशन मेरा अधिकार। ऑप्शन बी वन कंट्री वन रेशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। ऑप्शन सी रेशन टू ऑल, सभी को राशन। ऑप्शन डी रेशन फॉर एवरीवन, सबका राशन सबका अधिकार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वन कंट्री वन रेशन कार्ड, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड। नेक्स्ट, सऊदी अरबिया हैज इंक्रीज द हज कोटा ऑफ इंडियंस फ्रॉम 170 लाख रुपीज टू। सऊदी अरब ने भारतीयों का हज कोटा 170,000 से बढ़ाकर कर दिया है। ऑप्शन ए 2 लाख 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 2.9 लाख, ऑप्शन डी 3 लाख। और इसका राइट आंसर है 170,000 से बढ़ाकर किया है 2 लाख। और राइट आंसर ऑप्शन ए 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, नाउ हाउ मैनी परसेंट पोस्ट विल बी वुमेन बी रिक्रूटेड। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 70%। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड महाराष्ट्रज मराठा रिजर्वेशन बाई 60%। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर कर दिया है। ऑप्शन ए 10 से 11%, ऑप्शन बी 12 से 13%, ऑप्शन सी 13 से 14%, ऑप्शन डी 14 से 15%। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 से 13%। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा कंप्लीट जून माह का करंट अफेयर्स जीके। साथियों, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। और हमारे डेली लेसन्स देखते रहें, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।